हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर से आप लोग को मिलवाता हूं। ये देखिए, साल्विया है, इसको साल्विया फ्लावर बोलते हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। इसके प्लांट बहुत छोटे ही होते हैं, 5 मैक्सिमम 6 से 7 इंच के हाइट का ही प्लांट होता है और इसमें इस हाइट में ये पूरे इस पर फ्लावरिंग करता है। देखिए, इसके स्टिक काफ़ी लंबे हैं और ये स्टिक बढ़ते जाएगा, इसमें फ्लावरिंग होते जाएगा। तो इस तरह से फ्लावरिंग करता है दोस्त, साल्विया फ्लावर। और विंटर का ये बहुत पसंदीदा फ्लावर है, आपको सभी नर्सरी में ये उपलब्ध हो जाएगा। आप अपने आसपास के नर्सरी में इसको खोजिए, अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में इसको इंक्लूड नहीं किया है तो इस फ्लावर को ले कर आइए। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है और बहुत खूबसूरत देखने में लगता है, आपके गार्डन को पूरी तरह से कलरफुल करेगा। इसके 3-4 कलर आते हैं, मेरे पास ये पर्पल और रेड है, ये देखिए, और ये एकदम डार्क पर्पल है और ये डार्क रेड है। तो इसके डार्कनेस के कारण ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी आई कैचिंग फ्लावर है, तो बहुत सुंदर लगता है। और इसको बहुत बड़े पॉट का आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए आप, ये बहुत छोटे पॉट में मैं इसको ग्रो किया हूँ, ये 4 इंच का पॉट है और इसी में मैं सभी फ्लावर प्लांट को लगाया हूँ। विंटर के फ्लावर ज़्यादातर छोटे पॉट में अच्छा ग्रो करते हैं और अच्छा फ्लावरिंग भी करता है। तो इसका पॉटिंग मिक्स आप 30% गार्डन सॉइल डालिए, 30% सैंड डालिए या कोकोपीट डालिए, जिससे मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होगा तो प्लांट को ग्रो होने में काफ़ी सहूलियत होता है। और इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए या फिर आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, अगर अच्छा आपको मिल जाए तो उसमें फिर लगाइए इस प्लांट को, तो काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करेगा और बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है दोस्त। आपको वीडियो में पता चल रहा होगा कितने सुंदर फ्लावर है। इसमें आपको महीने में एक बार ज़रूर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए ऑर्गेनिक। आप सबसे बेस्ट सरसों की खली को पानी में भिगो के छोड़िए 4-5 दिन तक, उसके बाद फ्लावरिंग होने तक इसमें आप हर 15 दिन के बाद एक बार डालिए। और जब ये पूरी फ्लावरिंग कर देता है तो इसमें स्टिक निकलते रहते हैं, तो उस समय इसमें महीने में 2 बार ही डालिए, 1 बार या 2 बार, तो ये फ्लावर मेंटेन रहेगा और प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होगा, लीफ भी काफ़ी ग्रीन रहेंगे। तो यही है साल्विया फ्लावर, और इसको अपने पास के नर्सरी से लेके आइए। इसको अभी भी आप अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हैं, मार्च तक फ्लावरिंग करेगा, अच्छा फ्लावरिंग करता है। और इसमें इंसेक्ट्स का भी असर होता है, इसके लीफ को देखिए, ये लोग कोई इंसेक्ट है जो इसके लीफ को खाते हैं, तो आप तो इसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, नीम ऑयल को भी स्प्रे कीजिए। मैं तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का उपयोग करता हूँ, जिससे कोई भी कीड़ा या किसी भी तरह के इंसेक्ट्स से मेरे प्लांट बचा रहता है। विंटर का बहुत पसंदीदा फ्लावर है, इसको ज़रूर लगाइए। बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, एकदम इजी केयर फ्लावरिंग प्लांट है, इसको आप ज़रूर लेके आइए। और इसमें और कुछ केयर तो नहीं है खास, मैं आपको सॉइल के बारे में बता ही दिया, फर्टिलाइज़र भी बता दिया। और छोटे ही पॉट में इसको ग्रो कीजिए, बहुत बड़े पॉट का ज़रूरत नहीं है, 4 इंच मैक्सिमम 5 इंच, उससे बड़ा पॉट का ज़रूरत नहीं है दोस्त, बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा ये। सिर्फ इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए हर 15 दिन के बाद, तो प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा, फ्लावर भी अच्छा ब्लूम करेगा ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेरे पास विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, मैं तो वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो हमारा ये फ्लावर कैसा लगा दोस्त, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, उनको बताइए इस फ्लावर के बारे में। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए दोस्त, जिससे आने वाली वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नए नए फ्लावर के बारे में आपको पता चलेगा, इससे हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट ज़रूर कीजिए इस फ्लावर के बारे में, बताइए कैसा लगा आपको ये फ्लावर, और अच्छा लगा तो अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड कीजिए इस फ्लावर को, बहुत सुंदर लगेगा आपके गार्डन में आने के बाद। और भी बहुत सारे फ्लावर हैं दोस्त, मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, विंटर के फ्लावर सब खिले हुए हैं।
ठीक है दोस्त, आप सबों के एक बार फिर नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।